गाँव से बिल्कुल ठीक ठाक है। तो आप लोग देख रहे होंगे ये हम लोग बाहर फिर रहे हैं, अभी हम आए हैं यहाँ पर केक लेने के लिए बेकरी के ऊपर, और अभी हम अंदर जाने लगे हैं, केक लेते हैं और उसके बाद आगे चलते हैं, फिर आगे बताते हैं चल क्या रहा है। साथ में है तो अंदर चलते हैं और फिर आपको केक भी दिखाते हैं। मैंने वीडियो का स्टार्ट अब लिया है, कैसी लग रही हूँ प्लीज़ बताइएगा, ठीक है ना। मैं बहुत प्यारी लग रही हूँ माशाल्लाह, मुझे पता है, लेकिन फिर भी कमेंट्स कर दीजिएगा, ठीक है। अब तो चले अंदर चलते हैं, थोड़ा ऊँचा बोल लें। हमने कहा हम राहत एंड से मिलने आए हैं, हाजरी जी नगर वीडियो होता है ना, अगर आपको कुछ मीठा खाना हो तो पहले हाजरी जी से उसके बाद। और ये मेरा प्यारा सा बेटा, माशाल्लाह। चलें जी हम अंदर जा रहे हैं, चलें। अच्छा यहाँ सिटिंग अरेंजमेंट भी है, इन एंड आउट। ये वाला कितना खराब हो जाएगा। कितने का इधर बात सुने, कितने का केक था? और 1580 का केक था अंदर, यहाँ बिल में लोगों ने 1930 का बनाया है और ड्रामे हो रहे हैं और आगे टैक्स लगा के। और ज्यादा महंगा आपने पूछा था? 1580 का मैंने पढ़ा था, तो बोलते हैं ना, बोला है ना, आगे तो ड्रामे हो रहे हैं। चलो Thank you.
बाकी की तरफ चलो मैं। जी तो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं मुगल गार्डन में और हम केक साथ में लेकर आए हैं यहाँ पर। और अभी देखते हैं जगह, आप लोग शायद अली का व्लॉग आपने देखा हो, तो अगर नहीं भी देखा तो मैं ऊपर लिंक दे दूँगी, आप लोग चाहें तो वो लोग जाके देख सकते हैं। हाँ बेटा चलते हैं। तो हम लोग अंदर आ चुके हैं, अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं। अली ने पहले से जगह देखी हुई है बैठने की, सो मतलब उन्होंने प्लान कर लिया है कि यहाँ पर बैठना है, तो वहाँ पर हम बैठ के केक वगैरह कट करेंगे। आज है अली की बर्थडे है, तो हम लोग इसलिए आए हैं ख़ास तौर पर कि कुछ अलग हो जाए, वरना अक्सर बस घर पे ही होता है और कहीं आना जाना तो होता नहीं है, तो हमने सोचा चलो कुछ नया हो जाएगा। और उधर दूर बच्चे नहा रहे हैं, शायद वो भी आप लोगों ने अली के व्लॉग में देखा होगा। और बाकी फिर चलते हैं आगे और देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता, वो भी आप लोग देख लीजिए। चले चलते हैं। आशिर को यहाँ से अंदर डाल दें पानी में, पानी बहुत गहरा है बता रहे। नहीं तो इतना भी गहरा नहीं, अरे फिश भी है, फिश भी है, नहीं पत्थर नजर आ रहे। बस इससे आगे जगह ही नहीं है, वो खड़ी हो सकती है। ओए पानी ज्यादा नहीं गी अंदर है। अच्छा ये पा स्लिपरी में स्लिप होते हुए और अभी पानी के अंदर फुल स्नान करने ये चली जाती मेरी मिसेस। सारा कुछ स्नान हो जाता, फिर बैग भी है मेरे साथ, डूब जाऊं। सोच लो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पत्थर बड़ा पुराना है, इसलिए स्लिपरी है, इसीलिए कोई नहीं रखता। अल्लाह कितने मच्छर उड़ रहे हैं, चलो बाहर भागो इधर से, चलो बाहर। मच्छर नहीं है, कीड़े हैं। पाँव गीला हो गया मेरा कपड़ा। आगे चल गया पत्थर। वाओ। डालूंगी मैं, डालूंगी। नहीं नहीं मैं डालूंगी। बंदे की कोई प्रवेशन नाम की चीज ही नहीं है। हाँ तो जब आपको पता नहीं है, जब साथ में फ्रेंड्स होते हैं तो फिर वो देख रहे होते हैं आपको हर वक्त। चलें जी, हम इसी तरह हंसते मुस्कुराते माशाल्लाह नजर मछली ना लगे मछली, हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। मछली को देख ले, अब पता नहीं मछली दिख रही है कि नहीं आपको। देखी शादीशुदा मछली, शादीशुदा थी, आपको कैसे पता? मैं शादीशुदा, तो इसलिए आपको उसका गम ज्यादा महसूस हुआ होगा। मछली वो दिखी 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 यार, पता नहीं कहाँ मछली दिख रही है यार। फ्रेंड्स मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा, आप लोगों को अगर नजर आ रहा है तो प्लीज मुझे भी दिखा दीजिएगा, लेकिन आप लोग कैसे दिखाएंगे मुझे खुद ही देखना पड़ेगा, मैं भी पागल हूँ। बिल्कुल हमारे मतलब आपको मत सिखा, वो जा रही है, वो हाँ वो नहीं है, बहुत है यह है आपको।
ये तो पकड़ो मेरा मोबाइल, ये भी पकड़ो, सब कुछ पकड़ो। तो फोकस कर रहा हूँ, मोबाइल ना अंदर छोड़ दीजिएगा, उठा भी नहीं सकेंगे। रास्ता है जाने का? नहीं, लॉक है। पूछ के जाना पड़ेगा आपको। मछली दिख जाए यार। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी दिख है। दिख गई, दिख गई, दिख गई। हाथ लगाओगे तो डर जाएगी, पानी से निकालोगे तो मर जाएगी। ये देखो, ये देखो दोस्तों, ये देखें फ्रेंड, ये देखें दोस्तों, ये मछली गुजरी। हाँ देख लें फ्रेंड, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा। क्या शिरको, हाँ बड़ी सी है, कैसी लगी है? क्यों नहीं हो सकते? हो सकते हो बिल्कुल। क्यों गिर जाऊंगा, बंद है ना, कैसे गिरोगे? कोई बात नहीं, मछली खेल लेगी गाड़ी से, अब चढ़ भी जाओ। चलो यहाँ से तो आशीर अंदर भी जा सकते, जाओ एक सैर करके आ जाओ अंदर पानी। सीधे खड़े हो जाओ ना। हाँ देखो, दिख रही है मछली? मछली होती है जी, फिश होती है। वाओ, उछल रही है फिश। अच्छा फिश उछल भी रही है? ये उछल रही है। कैसे उछल रही है? ये उछल रही है। ये फिश है? तो आप पानी के अंदर जाओ ना, आप यहाँ क्या कर रहे हो? पापा घूम गए हो रे। फ्रेंड्स पता नहीं क्या चीज है ये। हाँ कोई फ्रूट है, पता नहीं कैसा फ्रूट है, बहुत सारे लगे हुए। ये दूर सामने ये लोग बैठे हुए हैं, ये हैं अली, ब्लर हो गए। अरे यार हो जाओ ना क्लियर। हाँ ये रे, और इधर शायद कहीं आशिर भी आप लोगों को दिख जाए। कैसे दिखेगा इतने दरख्त आ रहे? तो खैर अभी हाँ, ये देखें ये आशिर भी आ गया है अब, और अली भी बैठ हो जरा इन लोगों को। ये क्या हो रहा है, सफाई कर रहे हो अंदर की? ऊपर से छलांग लगाओ ना। आ जाओ आगे जाओ ना, नीचे से, नीचे से जाओ, नीचे से। अंदर से खाली है ये, लेकिन इसकी जड़ें आप ये देखें कितनी मोटी मोटी हैं। ये देखें ये, हाँ है, जड़ें तो हैं, जड़ें बहुत हैं इसकी, इधर भी होंगी छुपी हुई। पत्ते ये तो ना ना, ये तो पत्ते हैं। अच्छा वो वाला सही है ना? जी जी वो सही है। कहाँ गया आशिर? आशिर इधर से, इधर से, उधर से देखो, उधर से देखो ना। हाँ ta
जाता था वो वहाँ से यहाँ से गुजरता उधर जाता था, है ना। वो बारादरी है, ये मेन वो है जो इमारतें लिखा हुआ है मुगल शाही। क्या है हमाम? हाँ कुछ बताएं इसके बारे में। कत नहीं पता, पता तो रिकॉर्डिंग ऑन। यस अच्छा डालूंगी। दोस्तों बात ऐसी है, मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा कि मैं तारीख बताऊं, मैंने अपने व्लॉग में भी नहीं बताया, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ फिया व्लॉग्स के सारे दोस्तों के लिए। दोस्तों मुझे नहीं पता ये क्या है, मुझे नहीं पता ये क्या है। वाओ ये मुगल बादशाहों के दौर का ना, यहाँ पर मुझे ये लगता है कि यहाँ पर सीढ़ी के ऊपर चढ़ के ऊपर से ता करती होगी बेगम मलका, और नीचे से बादशाह उसको हेलो हाय करता होगा, और फिर चलता होगा ये आशिकी तुम मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हल्का हंस। नहीं ना, बादशाह इधर होता होगा और मलका उधर होती होगी, मलका इधर होती होगी, तो वो इधर सीढ़ी पे चढ़ के वो सीटी मारता होगा, सीढ़ी पे के वो हाय हाय। दोस्तों हम लोगों ने ना सारे मुन्ना भाई आज की फिल्में देखी हुई, हम वही बताएंगे। असल में दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है ये मुगल बारादरी है, सीरियसली बताऊँ ये मुगल बारादरी है, ठीक है। सामने लिखा हुआ है, मुझे खुद का कुछ नहीं पता, मुगल बारादरी। हाँ बेटा, और मुगल शाही हमाम भी है। अच्छा जाओ मैं बनाती। और यहाँ पर कभी पानी होता था जहाँ पर आज आफाक खड़े। अल्लाह डरना चेक करो जरा इनका, बोले थे वो नीचे देख के चलना ही है, इस तरह निकले में टक्कर हो सकती है। नहीं क्यों? अच्छा कोई परवाह ही नहीं है, देखो चले जा रहे, वो देखो जी। तो फाइनली अब हम यहाँ आ गए हैं बैठने के लिए और केक काटने के लिए। तो फ्रेंड्स ऐसा है कि केक की हालत हो गई है ख़राब, क्योंकि हम इतना लंबा चल चला के आए हैं, तो लेकिन कोई बात नहीं, हैप्पी बर्थडे थी ना, वो हो जाएगी। और मुझे चॉकलेट खाने, आपको केक भी अच्छा देखने को मिल ही गया होगा पीछे शायद। जी बेटा हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर अली, हैप्पी बर्थडे टू यू। अपने मुंह में डाल दें, मम्मा इनका हाथ इनके मुंह पे डाल दें जरा। मुँह नहीं आया मैं। ओके तो ये देखिए आप लोग, आशर को चॉकलेट खिला दे। जन्मदिन की सारी शुभकामनाएं, फतेह का जश्न मना रहे हैं मुगल गार्डन में। यूं तो देखिए हुकूमत, हाँ ये भी सही है। चलो बाप कहाँ जो है वो रस्ते में खराब हो चुका है, गाड़ी में आते हैं शायद यहाँ पे ले। ये उंगली की जगह चम्मच यूज करते हैं, ये देखें ऐसे करके। हाँ ये सही है, इसी में खा लेते हैं, प्लेट की जरूरत ही
हैप्पी बर्थडे टू यू। हाँ बेबी आशिर खिलाएगा ना, आशिर आशिर आपने तो मम्मा शुरू में खिला दिया था ना इनका हाथ पकड़ के। हाँ यहाँ से लो और पप्पा को खिला दो और बोल दो हैप्पी बर्थडे पप्पा। उई हुई इसको निकाल के दे दे, इसको निकाल के दे दे थोड़ा सा। खिलाओ पप्पा को, हाथ पकड़ो, चम्मच पकड़ो पप्पा। ओहो ये आशिर की तरफ से था। हैप्पी बर्थडे मेरे दोनों बेटे, मेरी दोनों के। थैंक यू। आफाक तुमने भी खिलाना था। ओ मेरी उंगली गई फिशू। केक अच्छे हाँ, नाइस केक। फ्रेंड्स प्लेट्स हम लेकर आए थे साथ में, लेकिन हमने कहा जब केक की ये हालत है तो फिर हम लोग सारे ऐसे ही खा लेते हैं ना। ये देखिए ऐसे करके। जी दोस्तों तो जो बर्थडे होती है ना ये ले, आप लोगों के लिए स्टाइल बर्थडे, वो कुछ इस तरीके की होती है कि हम लोग देखें हम सारे के सारे ना केक बहुत अच्छा है, केक के अंदर टूट पड़ गया जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, छाट पे लग गया। आप तो चाय बना। हाय फ्रेंड्स तो केक हम लोगों ने काट लिया है और वो बड़ी दूर से मैं आ रही हूँ चलते हुए और मेरे साथ बहुत बुरा काम हुआ है एक दूसरी दफ़ा। अभी हुआ पहले मैं आई थी एक पूरा फुल, मैं वहाँ से आई हूँ इतनी दूर से वहाँ तक वापस इधर तक गई हूँ, ये पूरा सीढ़ियाँ हैं वहाँ पर उस तरफ तक वहाँ तक गई हूँ और वहाँ तक जाके मेरा मोबाइल रास्ते में हैंग हो गया था। मैंने कहा चलो जब तक पहुँचूँगी ठीक हो जाएगा। वहाँ पर भी मैं खड़ी रही, इतनी देर नहीं सेट हुआ वो ना, हुए नहीं रहा था, बस हैंग होके रुक गया, वो हैंग ही हुआ था। मैंने कहा चलो वापस जाती हूँ, अली को कहती हूँ शायद जब तक सही हो जाए फिर वापस आ जाऊंगी। नहीं हुआ, वहाँ तक गई इतनी देर, वहाँ मैंने आखिर का हाथ मुँह लाया, उसके बाद भी फिर नहीं सही हुआ। फिर दोबारा मैं वहाँ से चली, थोड़ा सा अपना मोबाइल सही हो गया था, फिर उसके बाद लेकर आई हूँ वहाँ से यहाँ तक थोड़ा सा आधा रास्ता, फिर वो दोबारा वही, फिर मैं वापस गई कि जो है ये नहीं चल रहा। फिर मैं अली का मोबाइल अब लेकर आ रही थी और वहाँ से देखें इतनी दूर से मैं चलते हुए आई हूँ, बोलते हुए पता नहीं क्या क्या बड़बड़ करते हुए, और वो जो है मैं पिक्चर ऑन करके अपनी तरफ से बोले जा रही हूँ। मुझे लग रहा था वीडियो बन रही है, बटन मैंने देखा नहीं ना, मैंने नंबर इधर से टाइम देखा कि चल रहा है और मैं बोले जा रही थी आराम से। हाँ चलो ना, तो उसके बाद मैं ये तीसरी दफ़ा सारी बकवास फिर से की है मैंने, तो चलते अब ऊपर जा रही हूँ मैं। चलें जी ये हैं सीढ़ियाँ, ऊपर पता नहीं कितने लोग थे उस वक्त मैं आई थी तो मुझे अच्छा नहीं लगा, तो इसलिए शुक्र है खैर अब कोई है नहीं, नहीं और भी मेरे सामने चढ़ के गए थे सारे। तो ये अब हम ऊपर जा रहे हैं, वो लोग वहीं बैठे हैं बैग रखा है। हाँ अरे वाह आशिर ये छोटी सीढ़ियाँ आपके लिए, ये अरे वाह कोई भी नहीं है, मच्छर है सिर्फ। वाह ये हम ऊपर आ गए, ये बड़ा प्यारा पार्क है माशाल्लाह। अच्छा इधर से भी शायद रास्ता है। यस इधर से भी रास्ता है और ये है पूरा पार्क और वो दूर लाइटें बड़ी प्यारी लग रही हैं उसमें, पता नहीं कैमरे में इतनी अच्छी दिख रही हैं कि नहीं, वैसे माशाल्लाह वाकई बड़ी प्यारी लग रही है। खैर तो ये है पार्क का व्यू, सूरज डूब चुका है। तीन दफा क्यों गए थे वो, इसलिए मैं कुछ बनाने लग गया। अच्छा तो तुम्हारा कसूर है जी, तो मैं ऊपर आ गई हूँ और इस लड़के को पहले ऊपर आना था और अब ऊपर आ गया तो नीचे चले नीचे चले नीचे, कुछ नहीं करने देता ये। कूदो नहीं, अरे बस करो नीचे बादशाह सलामत की आत्माएं फड़फड़ा रही होंगी। हमने फरमाया नीचे बादशाह सलामत की आत्माएं फड़फड़ा रही होंगी, तो इतना कूदना करना नहीं चाहिए यहाँ पे। चले अब कुछ भी बस। हाँ बेटा आप यहाँ से जंप लगाओ, मैं आती हूँ नीचे, मैं इसको यहाँ से फेंकता हूँ। हाँ ये अच्छा आइडिया है, चलो हम आशिर को कैच करते हैं नीचे चल के। चलें जी बना रही है ना,
इसको दे दो ये पकड़ के। आ जाओ ना यार, बड़ी खतरनाक सीढ़ी है। आ जाओ ना जल्दी से, मैं आ चुकी हूँ। मामू का पकड़ के आ जाओ। हाँ तो और क्या, नहीं अभी घर जाके गिफ्ट देने, बिला वजह गिफ्ट लेकर आए, अंधेरा हो गया ना। मतलब पैसे तो हैं तो गिफ्ट वाला। यार इतनी घास फूस में मैं नहीं चल रही, मैं यहाँ से जाऊँगी। यार मच्छर बहुत काट रहे हैं, अल्लाह खैर करे, अल्लाह सही सलामत रखे हम सबको। मैं काली आ रही हूँ लेकिन प्लीज़ बर्दाश्त कर लीजिएगा क्योंकि अंधेरा हो गया है। तो ऐसा है कि मच्छर बहुत काट रहे हैं, हम लोग लेट हो गए थे काफ़ी ज़्यादा। असल में वो बस सिनेमैटिक्स लेते 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 इतना टाइम हो जाता है ना कि बस पता ही नहीं चलता। तो अब हम लोग वापस जा रहे हैं फाइनली, और दुआ कीजिएगा बस हम लोग सही सलामत रहें आजकल, क्योंकि डेंगू बड़ा फैला हुआ है और मैं कब काफ़ी गलत जगह आ गई हूँ। इधर से चलो आशिर, यहाँ से आओ, यहाँ से उधर से आगे रास्ता नहीं है। और घास फूस के ऊपर वैसे शुक्र है मैंने आशिर को तो शूज़ और पैंट वगैरह खूब उसने सब पहना हुआ है पैक है, लेकिन बस हाथ और मुंह खुला हुआ है, अल्लाह करे बस सही रहे आशिर। बच्चों की तरह ज़्यादा टेंशन होती है ना छोटे होते। खैर हम जाने लगे हैं बाहर, बाकी अगर घर जाके अगर कुछ हुआ तो रिकॉर्ड कर लूँगी। गिफ्ट्स वगैरह हमारे रह गए देना तो वो देखेंगे, बाकी फिर चलते हैं। पार्क खाली हो गया है, अब हम लोग निकल रहे हैं। बाय बाय टाटा खुदा हाफिज। जी तो फ्रेंड्स हम लोग घर आ चुके हैं और पार्क में जो है वीडियो मैंने थोड़ी सी एंड मैं नहीं कर सकी क्योंकि मेरा मोबाइल जो है वो हैंग हो गया था और काफ़ी लंबा हैंग हो गया था। आई थिंक कोई 5:40 पर हैंग हुआ था क्योंकि ऊपर टाइम लिखा हुआ आ रहा था और 8:30 तक जाके 9 बजे तक हाँ 9:30 आ रहे तो नहीं 8:30 तक जाके जो है वो सही हुआ है, अल्लाह का शुक्र है सही हो गया। और हो ही नहीं रहा था, मैं काफ़ी टेंशन में आ गई थी। खैर तो मम्मा का मैं आप लोगों को भूल गई लास्ट वीडियो में भी बताना कि उनकी जो रिपोर्ट्स आई थी, उनकी जो रिपोर्ट्स थी वो उनको असल में अर्थराइटिस हो गया है, तो बस उसका इलाज उनका चल रहा है। आप लोग दुआ करें कि वो ठीक हो जाएं और इंशाल्लाह हो जाएंगी। उनका हम लोग बीपी उनका काफ़ी ज़्यादा हाई आ रहा है, जब भी मतलब वो डॉक्टर के पास जाते हैं ना जब वो चेक करते हैं तब काफ़ी ज़्यादा हाई आता है। घर पे मैंने जितनी दफ़ा भी चेक किया है तब इतना हाई नहीं आया है जितना वहाँ आता है। खैर अब वो पता नहीं क्या मसला है, मुझे तो लगता है डॉक्टर के उसमें ही मसला है कोई। थे तो खराब थी मैं तो चले ठीक है। फिर दुआ कीजिएगा कि हाँ जो हमारी मम्मा हैं मतलब मेरी मुमानी हैं और ये लड़का जो है ना मुझे नहीं वीडियो बनाने देगा। अरे आशिर मैं गिर जाऊंगी। तो फ्रेंड्स मैंने काफ़ी चीज़ें जो है अभी समेटनी भी हैं, बेड पूरा फैला हुआ है, ये देख रहे हैं ये सारी चीज़ें जो गिफ्ट्स अभी हम लोग लेकर आए हैं घर, ये घर लेकर फिर से देखा है तो चले फिर ठीक है इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज करते हैं, अब यहाँ पर वीडियो का एंड करती हूँ मैं। इंशाल्लाह फिर किसी नई वीडियो के साथ आप लोगों से जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, दूसरों को खुश रखने की कोशिश करें। अल्लाह हाफिज। बन रही है, बनाओ। Thank you.